ये देखिए आज ये बैंगन का भरता मैं आलू डाल के बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जीरा प्याज लहसुन डाल दिए। अब इसमें मैं हरी मिर्च जो मैंने दरदरी काट रखी थी मिक्सी से ग्राइंड कर रखी थी उसे मैं एक चम्मच के लगभग डाल देती हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मिर्च डाली है इसमें। और आज इसे मैं मैगी मसाले इस भरते में डालूंगी। तो मैं मैगी मसाला डाल के ये आपका बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया बनेगा। तो एक बार आप लोग भी इस तरह की रेसिपी पे हल्दी नहीं डालूंगी मैं। ये देखिए अभी मिर्च पक गई है। अब मैं इसमें ये बैंगन डाल देती हूँ जो मेरा उबला हुआ रखा था, और ये आलू, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। परिवार की रसोई में सभी भाई बहनों के लिए आज मैं बैंगन आलू का भरता लाई। इसको मैंने बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाया। इसमें मैंने आलू को और बैंगन को छीलकर उबाल लिया था, और इसमें दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालने या आप सरसों का तेल जो भी आपको पसंद हो वो डाल के लहसुन की एक गांठ छीलकर डाल दें, और एक मीडियम साइज़ की प्याज, आधा चम्मच जीरा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें, और दो चम्मच मैंने हरी मिर्च दरदरी कटी हुई इसमें डाली। तो ये देखिए ये आपका स्वादिष्ट भरता बन के तैयार है। और इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच मैगी मसाला डाला, और इसमें मैंने टमाटर वमाटर कुछ नहीं डाला। ये कनपुरी बैंगन का भरता आप सभी लोगों के लिए तैयार है। ये मेरी माँ की हाथ की इस